नमस्कार साथियों, हिस्ट्री 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आशा कंवर भाटी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सामान्य विज्ञान की क्लासेस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ जो कि आपके पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है, एक बार आप लोगों ने उसको नोटिस कर ही लिया होगा। ठीक है, और हम लोग उसके कुछ टॉपिक है, पर्टिकुलरली बहुत छोटा सा सिलेबस है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है। और अगर हम पुराने पेपर को एनालाइज करते हैं तो देखने को मिल जाता है कि जैसे उसमें सीधे टॉपिक दे रखे, सीधा सा आपके प्रश्न उठा के दिया हुआ है। तो सबसे पहला कि दिमाग में आता है कि चलो हम लोग क्यों उसको प्रिपेयर करें। तो सामान्य विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें बहुत कम टॉपिक है और उसके अंदर ऐसा होता है कि इस टॉपिक से ये इतना प्रश्न आना आपके अनिवार्य है और वो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप पॉलिटी को पढ़ रहे हो तो इतना अथाह समुद्र है, उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी आपके साथ में नहीं होने वाला है। तो हम लोग सामान्य विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर अगर आप नोटिस करो तो जो जीव विज्ञान वाला पोर्शन है, ठीक है, तीन पोर्शन के अंदर आपका डिवाइडेड है ये। एक तो है आपका जीव विज्ञान, दूसरा वाला आपका भौतिक या जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, और तीसरा वाला जो है आपका रसायन विज्ञान या जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो जीव विज्ञान वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, इसीलिए मैं पहला टॉपिक जीव विज्ञान का ही शुरू कर रही हूँ जिसमें उत्तक के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी है। और भौतिक और रसायन विज्ञान के ही मेन टॉपिक है जो आपसे परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग जीव विज्ञान का एक टॉपिक है जिसे हम उत्तक या टिश्यूज कहते हैं, उसको स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले इस शब्द को हम लोग समझते हैं कि शब्द क्या होता है। ठीक है, तो एन ग्रीव एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एन ग्रीव। ठीक है, इन वैज्ञानिक ने यह शब्द दिया था उत्तक या टिश्यू। अब इस शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तक या टिश्यू जो होता है यह कोशिकाओं के समूह के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है हमसे सरल भाषा में पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका या सेल कहते हैं। ठीक है, इस सब का जब समूह बन जाता है तब हम उसे उत्तक कहेंगे, और जब उत्तक सब मिल जाते हैं तब अंग का निर्माण होता है, और सभी अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं, और अंग तंत्र से किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर पूरा प्रॉपर वे में बन जाता है तभी हम उसे एक जीव कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, किस प्रकार के जीवों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। यहाँ पर हम एक कोशिकीय जीवों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें उत्तक जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। उनमें क्या होता है, एक कोशिका अकेली होती है, उस कोशिका के अंदर सारे काम जो होते हैं उसके वो सभी कौन करती है? वो खुद से करती है, तो उसे उत्तक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है, उस समय आपको क्या करना पड़ता है? उत्तक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा जिसमें ये छोटी छोटी यहाँ पर क्या बना रखी है, कोशिकाएं बनी हुई है, और ये सभी कोशिकाएं एक साथ एक समूह का निर्माण कर रही है। यही समूह जो होता है वो आगे जाके आपका उत्तक कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है वो ये है कि उत्तक की परिभाषा क्या होती है। प्रश्न सीधा सिंपल साधारण यहाँ से भी बन सकता है कि उत्तक की परिभाषा क्या है। तीन शब्द आपको हमेशा उत्तक की परिभाषा लिखते समय ध्यान रखना है, कौन कौन से शब्द होते हैं जिसमें कि कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जिसमें समान कोशिकाएं, समान कैसी, समान संरचना वाली, समान कार्य वाली एवं समान उत्पत्ति वाली। तीन शब्द आप हमेशा दिमाग में रखना कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना समान हो, जिनका कार्य समान हो, व जिनकी उत्पत्ति समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। या अगर साधारण भाषा में लिखना चाहो तो कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो कि किसी विशिष्ट कार्य हेतु बना हो, विशिष्ट कार्य हेतु बना हो। ठीक है, तो
ऐसा पूछा जाता है कि उत्तक है ए बी सी डी, आपको ऑप्शन दे देंगे, समान कोशिकाओं का समूह, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जो संरचना कार्य एवं उत्पत्ति में समान हो, ठीक है, साधारण कोई कोशिकाओं का समूह। अब आप समझिए कि किसी भी समान मतलब ऐसे ही कोई कोशिका हो गई और उनके समूह को उत्तक क्यों नहीं कहते। आप सोचिए अगर मैं यहाँ पर अंडाणु कोशिका ले लूँ, यहाँ पर मैं एक शुक्राणु कोशिका ले लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक तंत्रिका कोशिका ले लूँ और ये तीनों को मिला दूँ, 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती, क्या ये सभी कोशिकाएँ मिलकर उत्तक का निर्माण कर रही हैं? नहीं कर रही है, क्योंकि इन सबका कार्य समान नहीं है, इनकी संरचना समान नहीं है, इनकी उत्पत्ति भी समान नहीं है, तो कैसे ये उत्तक हो सकता है? तो अब आपको ध्यान रखना है कि उत्तक की सही परिभाषा क्या हो जाएगी, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान संरचना, समान कार्य व समान उत्पत्ति हो, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, उससे पहले एक बार और थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि जो उत्तक होते हैं वह किसमें होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में, किसमें होंगे, बहुकोशिकीय जीवों में, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में उसके सारे विशिष्ट कार्य कोशिका के द्वारा संपन्न हो जाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे पास मौजूद है पादप और दूसरे हमारे पास मौजूद है जंतु। अब एक बार थोड़ा सा ये आपको डिटेल नहीं पता करनी है, बट इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि पादप क्या है और जंतु क्या है, ठीक है। तो ऐसा कभी ना समझे कि हरे रंग के हो गए वो सब क्या हो गए, पादप हो गए, ठीक है। तो आपको पादप और जंतु के एक डिफाइनिंग डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वो मैं बताने वाली हूँ कि पादप वो होते हैं जिनमें पादप कोशिका हो। अब पादप कोशिका का अंतर भी पता होना चाहिए, तो कैसी होगी कोशिकाएं, जिनमें कोशिका भित्ति हो, जिनमें क्या हो, कोशिका, सॉरी डबल हो गया, जिनमें कोशिका भित्ति मौजूद हो जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और क्या हो उसके अंदर, लवक उपस्थित हो जिसे हम वर्णक भी कहते हैं जो पादप को रंग प्रदान करता है, और तीसरी जो आपकी हो गई वो हो गई आपकी रिक्तिका मौजूद हो। पादप कोशिकाओं में तीन चीज़ें स्पेशल होती है जो उससे डिफरेंट है, कोशिका भित्ति होती है, वर्णक होता है और रिक्तिका पाई जाती है। यहीं पर अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो बिना कोशिका भित्ति वाली, बिना कोशिका भित्ति वाले जीव, ऐसे जीव जिनके शरीर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है, ठीक है, ऐसे जीव जो होंगे, और भी बहुत सारे कैरेक्टर पर आपको ये एक पॉइंट से सीधा आप उसको समझ सकते हैं। दूसरा जो अगर आप इसके अंदर अंतर ढूंढने जाओगे तो ये सभी न्यूट्रिशन में कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम पोषी होंगे, कैसे होंगे, विषम पोषी हो सकता है, विषम पोषी में कितने भी प्रकार आ सकते हैं। विषम पोषी का मतलब होता है जिनके पोषण लेने का तरीका अलग अलग हो। अब उसमें किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो मृतोपजीवी भी हो सकता है, वो डायरेक्ट किसी के ऊपर परजीवी के रूप में भी पाया जा सकता है, तो बहुत सारे प्रकार होंगे, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो विषम पोषी होते हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर है, ठीक है। और स्वपोषी जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया, और ये बताया क्यों मैंने, इसीलिए बताया कि आपको ये पता चले कि पादप और जंतु दोनों के अंदर जो उत्तक रहेंगे वह भी अलग रहेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी संरचना विभिन्न है, इनके कार्य अलग अलग है, इसीलिए। तो पहले हम लोग पादप उत्तक को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जंतु उत्तक को देखेंगे, ठीक है। तो पादप उत्तक को समझने के लिए आपको यहाँ पता होना चाहिए ये पादप उत्तक है, ठीक है, ये बता दिया है कि पादप उत्तक में क्या क्या चीजें होगी, कैसे होगा वो समझ गए। पादप उत्तक कितने प्रकार के हो सकते, तो पादपों में उत्तक को दो प्रकार में बांटा जाता है, विभिज्योत्तक, ठीक है, विभिज्योत्तक, नाम से ही आपको यहाँ समझ में आ रहा हो, एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, विभाज्य, ठीक है। और दूसरा जो प्रकार दे रखा है आपको, स्थायी, या जिसे हम परमानेंट टिश्यू भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले इसके जो उत्तक होते हैं उन्हें दो प्रकार में हम लोग बांटेंगे, विभाज्य योग्य उत्तक, दूसरा हो गया स्थायी उत्तक, ठीक है। फिर विभाज्य उत्तक को हम तीन प्रकार में बांट देंगे, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, तीन प्रकार में हम इसे बांटेंगे, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। तो
यहाँ पर इस पोर्शन को सिर्फ एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो पोर्शन दे रखा है यहाँ पर क्या लिखा है, विभाज्य उत्तक, ऐसे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा हो, जो निरंतर विभाजित होते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखा है स्थायी उत्तक, ये ऐसे उत्तक है जिन्होंने स्थायित्व प्रदान कर लिया है, यानी वो परमानेंट हो गए, वो फिक्स हो चुके हैं। तो फिर इसको जब हम दो प्रकार में बांटेंगे तो एक तो हो गया सरल वाले, दूसरे हो गए जटिल वाले। अब सरल जो होंगे वो कैसे होंगे, केवल एक कोशिका से बने हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कोशिकीय एक जैसी, इसकी सारी कोशिकाएं एक समान रहेगी, लेकिन जटिल उत्तक जो होंगे उसमें कोशिका में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, थोड़ी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य को करेगी, तो उसे हम कहेंगे जटिल उत्तक। और सरल उत्तक जो हो गए आपके वो ऐसे कि एक ही जैसी कोशिकाएं मिली हुई है। इसमें भी हम मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा, स्थूल कोण उत्तक जिसे कोलेनकाइमा, और दृढ़ उत्तक जिसे हम स्क्लेरेनकाइमा कहेंगे। इस प्रकार से पादप उत्तक का विभाजन किया जाता है, ठीक है। पादप उत्तक पहले तो हम दो प्रकार के बांट दिए, विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक को हम लोगों ने फिर तीन प्रकार में बांटा, किस आधार पर, उपस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर बांटा हम लोगों ने, उपस्थिति के आधार पर तीन प्रकार में बांट दिया। तो सबसे पहले शीर्षस्थ यानी सबसे ऊपर, पार्श्वस्थ मतलब साइड में, और अंतर्वेशी यानी बीच बीच में, ठीक है। और फिर स्थायी उत्तक को हमने दो प्रकार, सरल और जटिल, सरल को फिर तीन प्रकार में बांटा और जटिल को हमने दो प्रकार में बांटा। तो ये तो हो गया आपको एक फ्लो चार्ट, जिससे आपको समझ में आए कि किस प्रकार से ये उत्तक बटे हुए हो सकते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार यहाँ पर पादप उत्तक के थोड़े से गुण लिख लेते हैं। पादप उत्तक, तो देखो हमारे शरीर में कार्य करने का तरीका उत्तकों का अलग होगा और पादपों में तरीका अलग होगा, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ना उसमें हर एक काम डिफरेंट है, बट पादपों में ऐसा नहीं होगा। पादप में कोई अलग से अंग नहीं पाया जाता है। अगर हम लोग किसी पादप को बांटने बैठेंगे ना, तो ये हमारे पास में एक पेड़ है, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर आप इसके भाग देखो तो सबसे नीचे जड़ पाया जाएगा, फिर तना पाया जाएगा, फिर पत्तियाँ पाई जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर लिया तो फल और फूल मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा अंग इसमें नहीं मौजूद होते, इसीलिए इसके उत्तक भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, छोटी छोटी कोशिकाएं ही सारा बाकी सब इसकी बॉडी का काम करेंगे। तो पादप उत्तक का जो मुख्य कार्य होता है वो लिख लेते हैं कि एक तो इसे यांत्रिक सहायता देगा, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा पौधे को, ये उत्तक यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। इसके शरीर में संवहन का कार्य करता है, यानी पादप के अंदर किसी भी पदार्थ का संवहन करना है, अगर इधर से उधर भेजना है तो वो सारा कार्य भी कौन करेंगे, हमारे पादप उत्तक ही करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अधिकांश जो इसमें उत्तक होते हैं वो अधिकांश मृत होते हैं, सारे मृत हुए जरूर नहीं, बट अधिकांश तो मृत कोशिकाओं से मिलकर ही बनते हैं। अधिकांश क्यों, क्योंकि मैंने नाम लिया स्थायी उत्तक। अब जब किसी ने स्थायित्व प्रदान कर लिया तो उसको तो कोई काम करना नहीं है, इसीलिए वो मृत उत्तक के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पादप उत्तक के आपके मुख्यतः ये तीन आपकी संरचनाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पादप उत्तक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले जो उत्तक आया है वो विभिज्योत्तक, ठीक है। पहले उत्तक का पार्ट बता रही हूँ मैं, विभिज्योत्तक, ठीक है। तो इसके कुछ अपन लोग लक्षण देख लेते हैं, उसके बाद इसकी सारी वैरायटी को हम लोग समझेंगे। एक बार मैं ऐसा करती हूँ, एक नया पेज ले लेती हूँ, क्योंकि ये अगर हमने यहाँ लिख लिया तो आपके प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं विभिज्योत्तक, ठीक है। पहला प्रकार डिटेल में सबसे पहली चीज यहाँ पर लिखेंगे, इसमें विभाजन की असीम क्षमता पाई जाती है, विभाजन की असीम क्षमता पाई जाती है। हम जैसे जैसे थ्योरी का कोर्स करेंगे उसके साथ साथ, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके जस्ट बीच बीच में या कहीं भी ऐसा कोई टॉपिक आएगा, यहाँ से प्रश्न पहले आ रखा है तो उसको भी हम एनालाइज करेंगे, और टॉपिक के बीच में मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखो पहली चीज़ क्या आ गई कि विभाजन की असीम क्षमता पाई जाती है, यानी इसकी जो कोशिकाएं होगी उसमें विभाजन की कैसे होगी, असीम क्षमताएं होगी, ठीक है। इसकी जो कोशिकाएं होगी वो अवयस्क होगी, कैसी होगी, अवयस्क होगी, और इसमें कैसा विभाजन होगा,
समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन का अर्थ होता है ऐसा विभाजन जिससे जो कोशिकाएं बनेगी उसमें गुणसूत्र समान हो, उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। और कोशिकाएं अवयस्क होगी। क्यों अवयस्क होती है ये भी समझना। एक कोशिका है, उसको दो मिनट बाद विभाजन करना है वापस से, तो वो वयस्क होके करेगी क्या? और अगर वो वयस्क हो गई तो वो स्थायी के अंदर चली जाएगी। इसीलिए इसमें क्या होता है, अवयस्क कोशिकाएं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ये जो कोशिकाएं होती है उनका अगर आकार की बात करेंगे हम तो कैसी हो सकती है, बहुभुजाकार हो सकती है और अंडाकार हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है। ये कोशिकाओं के आकार की बात हो गई। फिर अगली, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक कोशिका द्रव्य सघन एवं कोशिका भित्ति पतली पाई जाती है। कोशिका भित्ति पतली पाई जाती है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि किस उत्तक के अंदर कोशिका भित्ति पतली, केंद्रक स्पष्ट और कोशिका द्रव्य सघन पाया जाता है। तो जितने भी विभिजोत्तक उत्तक की कोशिकाएं होती है उन सभी में ये सभी जो आपके लक्षण हैं वो उसमें पाए जाते हैं। लगभग सभी कोशिकाएं जीवित होती है, लगभग सभी कोशिकाएं, विभिजोत्तक की ही बात कर रहे हैं हम, विभिजोत्तक में सभी कोशिकाएं जीवित होती है। क्यों जीवित होगी, इस पॉइंट को भी आप समझना। लगभग बोल रही हूँ, सारी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जीवित रहेगी तभी तो विभाजन कर पाएगी। जैसे ही मृत हो जाएगी या थोड़ी सी भी वयस्क हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अगले प्रकार में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, स्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग विभिजोत्तक के तीन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, पहला प्रकार, दूसरा और तीसरा। ये तीनों ही प्रकार, इसके प्रकार को यहां मैं लिख देती हूं एक लाइन, स्थान के आधार पर तीन प्रकार में बांटा जाता है। कितने प्रकार में बांट रहे हैं हम लोग, तीन प्रकार में बांटा जाता है। क्यों स्थान के आधार पर, देखिए समझना। अभी यहां पर मैंने एक चित्र ले रखा है, इसको आप समझिए, इसका नाम मैं यहां पर लिख देती हूं। देखिए मैंने यहां पर एक पौधा ही बना रखा, आप ही समझ लीजिए, ये पौधा है, यहां नीचे इसमें जड़े लग रही है, ये एक पौधा ही बनाया मैंने। ठीक है, तो पहला जो प्रकार यहां पर देखो, तीन चीजें दे रखी है, पहले दे रखी है एपिकल, दूसरा इंटरकैलेरी, तीसरा लेटरल। यहां पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एपिकल, या जिसे हमने क्या नाम दे दिया था, शीर्षस्थ। दूसरा इंटरकैलेरी, या जिसे हम नाम देंगे अंतर्वेशी। और लेटरल, या जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्वस्थ पूरा नाम। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के विभिजोत्तक हमको क्या होते हैं, यहां पर नजर आते हैं। ठीक है, तो आप समझना इस चीज को कि तीन प्रकार के विभिजोत्तक पाए जाते हैं स्थान के आधार पर। जो पौधे में सबसे ऊपर पाए जाएंगे वो शीर्षस्थ कहलाएंगे, जो पौधे में बीच बीच में पाए जाएंगे वो अंतर्वेशी कहलाएंगे, और जो पौधे में लेटरल, देखो यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है आपको, इधर साइड साइड में इस जगह पे जितना भी पीले रंग का दे रखा है वो सभी क्या बता रखा है आपको, उत्तक का प्रकार बता रखा है। इस चित्र में नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक पूरा का पूरा आपको पौधा बना के बता देती हूँ। ये तो जड़ हो गई है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक पौधा बना देंगे और मैं इसके हरे रंग की अच्छे से पत्तियां भी बना देती हूँ, ये पोर्शन बना दिया हमने। ठीक है, अब आप समझना इसको कि लाल रंग से तो मैं जो बनाऊंगी, जो साइड साइड में, मतलब इसकी परिधि में जो मौजूद है, ये तो हो गया आपका पार्श्वस्थ। ठीक है, और समझना इस मुंह पे और सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष वाले भाग पर जो मौजूद होगा उसे हम कहेंगे शीर्षस्थ। तो शीर्षस्थ कहाँ कहाँ हो सकता है, जड़ के सबसे अगले हिस्से में भी हो सकता है और तने के सबसे अगले हिस्से में भी हो सकता है। ठीक है, और एक और आप समझ लेना कि जब पादप लंबा होता जाएगा तो बीच बीच में जो भी ये शीर्षस्थ बचेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्वेशी कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतर्वेशी विभिजोत्तक कहेंगे। तीनों काम क्या कर रहे हैं ये भी समझना। शीर्षस्थ जो होगा वो यहाँ पर शीर्ष पर विभाजन करेगा,
ठीक है, कंटिन्यूअसली ये क्या करेगा, इसकी वृद्धि बढ़ाएगा। कैसी वृद्धि? लंबाई में वृद्धि करेगा। तो वहां है तो लंबाई। अब आप सोचिए कोई पौधा बहुत छोटा है, ठीक है, तब उसके शीर्ष में शीर्षस्थ विभिजोत्तक मौजूद है और वो उसकी लंबाई बढ़ा रहा है। जैसे ही 5-6 दिन हो गए, पौधा लंबा हो गया। मैं यहाँ पर इसको पोर्शन को बताती हूँ कि इस जगह पर क्या मौजूद था, शीर्षस्थ मौजूद था। जैसे ही पौधे की लंबाई बढ़ी और पौधा इतना लंबा हो गया, ठीक है, ये पौधा हो गया। अब शीर्षस्थ कहाँ है, यहाँ पर तो आ गया शीर्षस्थ, और जो नीचे छूट गया है ये वाला शीर्षस्थ का पुराना वाला भाग, इसे हम अब क्या नाम दे देंगे, अंतर्वेशी नाम दे देंगे। समझ गए? तो अंतर्वेशी और शीर्षस्थ दोनों ही पादप की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन शीर्षस्थ सबसे ऊपरी हिस्से में रहता है और जैसे ही पादप की लंबाई बढ़ जाएगी, पीछे छूटा हुआ शीर्षस्थ भाग ही अंतर्वेशी बन जाएगा। और पार्श्व जो होता है वो पौधे की चारों तरफ की परिधि में होता है। यानी आपने देखा होगा छोटा पौधा जिस जैसे बड़ा होता है तो उसका तना भी चौड़ाई में बढ़ता है। तो चौड़ाई में बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, पार्श्वस्थ कर रहा है, शीर्षस्थ लंबाई बढ़ा रहा है, अंतर्वेशी बीच बीच में है। और अंतर्वेशी को समझने के लिए अच्छे से गन्ना याद कर लेना। हम लोग जब गन्ना खाते हैं ना तो गन्ने के बीच बीच में नोड बनी हुई होती है, ठीक है, वो नोड किसकी बनी, वो उसी चीज से तो बनी है क्योंकि वो आगे लंबाई बढ़ती गई, बीच बीच में छूटता गया, तो वो जगह क्या हो गई, आपकी अंतर्वेशी वाला हिस्सा रह जाता है। और समझना, ये देखो पौधे के अंदर ये पत्ती निकल रही है, पत्तियों का ही उदाहरण है। अब इस जगह पे पीले रंग में अंतर्वेशी दे रखा है। जब यहाँ पर पत्ती नहीं निकली थी उस समय यहाँ पर क्या था, आपका शीर्षस्थ था। जैसे ये आगे बढ़ गया अभी अंतर्वेशी, तो इसी से नई पत्ती का निर्माण हो गया। अब इस पत्ती के ऊपरी हिस्से में तो फिर से शीर्षस्थ है और नीचे वाले हिस्से में क्या है, अंतर्वेशी वाला आ रहा है, ठीक है। अब इनके क्या हो गए, हम लोग थोड़े से गुण लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लगा दीजिए यहाँ पर, शीर्षस्थ विभिजोत्तक, शीर्षस्थ विभिजोत्तक का सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं। तो इसका कार्य यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहली चीज, यह पादप की लंबाई में वृद्धि करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं, यह जड़ तना दोनों के शीर्ष भाग में मौजूद होते हैं, शीर्ष भाग में मौजूद होते हैं। अब देखना इसकी जो कोशिकाएं होती है वो सारी की सारी कैसी होगी, जीवित होगी। कोशिकाएं कैसी है आपकी, जीवित है। क्यों जीवित है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, आगे विभाजन करना है, इसीलिए वह जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी हम लोग यहीं लिख देते हैं, क्योंकि यहां से आपका सीधा का सीधा कार्य ही पूछा जाएगा, अंतर्वेशी विभिज्योतक। ठीक है, अंतर्वेशी है, जिसे हम इंटरकैलरी भी कहेंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख सकती हूँ, लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप लोगों में से कुछ इंग्लिश मीडियम के हुए तो उनको लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अंतर्वेशी के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह शीर्षस्थ का ही पीछे छूटा हुआ भाग होता है, पीछे छूटा हुआ भाग होता है, और यहां से क्या निकलता है, इस जगह से, यहीं से पर्व संधियां, पर्व संधियां जहां पे पौधे की पत्तियां जुड़ती है ना, पर्व संधियों का निर्माण होता है, यहीं पर क्या होता है, पर्व संधियों का निर्माण होता है, और ये बीच बीच में पाई जाती है, यह बीच बीच में पाई जाती है, यह बीच बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड वाला लिख लेंगे हम यहां पर, थर्ड वाला जो था उसे हम लोग पार्श्वस्थ कह रहे थे, पार्श्वस्थ विभिज्योतक।
ठीक है, पार्श्वस्थ या जिसे हम लोग इंग्लिश में लेटरल भी कहेंगे, लेटरल मेरिस्टेम। इसमें देखिए सबसे पहला तो यह पादप की परिधि में मौजूद रहता है, परिधि में मौजूद रहता है। परिधि का अर्थ ये पादप है और इस जगह पर मौजूद रहेगा, ठीक है। और इसका कार्य क्या होगा, यह पादप की चौड़ाई में वृद्धि करता है, ठीक है। बाकी इसका और कोई भी काम नहीं, तने की चौड़ाई में ही वृद्धि करता है। और एक और यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, पादप की आयु ज्ञात करने के लिए उसमें बने वार्षिक वलय का उपयोग करते हैं, यह वलय पार्श्वस्थ विभिज्योतक से ही बनती है। अब ये मैंने क्या पॉइंट लिखा है इसको समझाती हूँ मैं आपको। आप लोगों ने कई बार पेड़ पौधों को देखा होगा, जब बड़े किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसका जो सरफेस है, ऊपरी हिस्सा, अगर मैं इससे बताऊँ तो ये ऐसे ऊपरी हिस्सा में बताया जाता है, हम कभी डायग्राम भी बनाते ना तो ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ पे जलेबी की तरह गोल 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 वलय बनाते हैं। तो ये जो वलय है, ये वलय, अभी मैंने क्या समझा आपको, परिधि में ये पाया जाता है। अब परिधि में मतलब चारों तरफ। जैसे जैसे हर साल पार्श्वस्थ विभिज्योतक विभाजन करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चौड़ाई बढ़ेगी, तो हर साल इस विभिज्योतक की एक रिंग बनती है। वो रिंग गहरे और हल्के रंग की बनती है, सर्दियों के टाइम पे हल्का और गर्मियों के टाइम पे गहरा रंग बनता है, जिससे इस वलय का निर्माण होता है और इसे हम लोग वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलय या एनुअल रिंग भी हम लोग इसे कहते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है पहले कि वार्षिक वलय पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका निर्धारण करते हैं, तो हम वार्षिक वलय का उपयोग करते हैं। वार्षिक वलय क्या है, पार्श्वस्थ विभिज्योतक का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको लिखवा दिया। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, पादप के अंदर विभिज्योतक जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ प्रकार का होता है, एक हो गया अंतर्वेशी और एक हमने पढ़ लिया पार्श्वस्थ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रकार के ऊपर, यानी के अंदर, यानी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थाई उत्तक। विभिज्योतक कंप्लीट हो गए, दूसरा आ गए हम लोग स्थाई उत्तक के ऊपर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब पहले इसके हम लोग लक्षण लिख लेंगे, फिर इसके विभाजन की बात करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर लिखा है कि स्थाई, यानी ऐसे उत्तक जिन्होंने स्थायित्व प्रदान कर लिया है। तो पहली लाइन यहाँ पर क्या होगी, ऐसी कोशिकाएं जिसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर लिया, स्थाई उत्तक का निर्माण कर लिया है, ठीक है। अब स्थाई उत्तक जो होते हैं, यह क्या होते हैं, यह किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु, विभेदित हो जाती है। देखो ये क्या पॉइंट है यहाँ पे, जो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसी कोशिकाएं जो किसी विशिष्ट कार्य को करने हैं तो विभेदित हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन।
ठीक है, समझ लेना, डिफरेंशिएट हो गई है, मतलब ये जो पहले हमारे पास में जो विभिजोतक थे उन्होंने ही अपने आप को स्थायित्व प्रदान कर दिया है, विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है और वो किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु विभेदित हो गई है, यानी कि अब इसके अंदर जो भी कोशिकाएं रहेगी वो हर कोशिका कोई नया और अलग प्रकार का कार्य करेगी। ठीक है, इसके अंदर एक और पॉइंट लिख देते हैं कि ये मृत व जीवित दोनों प्रकार की हो सकती है, मृत व जीवित दोनों प्रकार की हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हम लोगों को पढ़नी है। तो जो स्थायी उत्तक होते हैं अगर हम लोग उसको वापस से विभाजित करें या उसका अगर वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम लोग दो प्रकार के उत्तकों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। पहला तो हो जाएगा हमारा सरल उत्तक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा जटिल स्थायी उत्तक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कौन सा टाइप हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, जो सरल उत्तक होता है ना उसके अंदर क्या होगा, एक ही प्रकार की कोशिकाएं, यानी कि हर जगह कोशिकाओं की संरचना नहीं बदली है। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, कोशिकाएं वही रहेगी लेकिन उनकी संरचनाएं बदल जाएगी, कार्य समान रहेगा पर विभेदित जब वो होगी ना तो उनकी थोड़ी बहुत संरचना में भी अंतर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक ही प्रकार की कोशिकाएं रहेगी, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, सरल उत्तक बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं रहेगी इसके अंदर और ये जो हो जाएगा यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आ जाएगी। अब अगर मैं इसको भी डिवाइड करती हूँ तो इसके अंदर हम लोग तीन प्रकार की कोशिकाएं पढ़ेंगे, पहली हम लोग पढ़ेंगे मृदु उत्तक, दूसरी हम लोग पढ़ेंगे स्थूल कोण उत्तक और तीसरी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दृढ़ उत्तक। और जटिल वालों को फिर हम लोग दो भागों में विभाजित करेंगे, तो एक तो पढ़ेंगे हम लोग जाइलम और दूसरा पढ़ेंगे फ्लोएम, जिसके बारे में मुख्यतः सभी लोग जानते हैं क्योंकि मोस्टली यही पूछते हैं पादप में जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है, तो ये वाली चीज़ सब जानते हैं, इनको थोड़ा सा अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कोशिकाओं के संरचनाओं से रिलेटेड भी बात आएगी, इसीलिए अभी यहाँ पर मैंने जो डायग्राम लिए हैं वो लिए हैं सरल उत्तक के तीनों ही प्रकारों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कॉलन काइमा दे रखा है जिसे हम लोग हिंदी में स्थूल कोण उत्तक कहेंगे, पैरन काइमा जिसे हम मृदु उत्तक कहेंगे और स्क्लेरन काइमा जिसे हम दृढ़ उत्तक कहेंगे। अब आप इस चीज़ को यहाँ पर समझना कि मैंने डायग्राम ऐसे बताने का अर्थ क्या है, देखो क्या क्या चीज़ यहाँ पर हम लोगों को याद रखनी है वो समझना। पहला तो इन कोशिकाओं के कार्य, कौन सी वाली कोशिका क्या काम कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनकी कोशिकाओं में क्या अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मृदुत्तक की कोशिकाएं देखो आप लोग, तो यहाँ पर दे रखा है कोशिकाएं कितनी दूर दूर बनी हुई है और बीच में क्या जगह छूटी हुई। जब दो कोशिकाओं के बीच में स्थान रिक्त रहता है तो उसे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश। तो अंतर कोशिकीय अवकाश यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिख रहा है लेकिन ना तो यहाँ दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यानी कि सरल उत्तक में केवल और केवल मृदु उत्तक के बीच में ही अंतर कोशिकीय अवकाश रिक्त पाया जाता है, बाकी इन दोनों में क्या है, अनुपस्थित है। दूसरी बात, कोशिकाओं की संरचना है, तो यहाँ पर क्या है, गोल या थोड़ी सी बहुभुजाकार कोशिकाएं पाई जा रही है। इधर देखिए दृढ़ उत्तक के अंदर बिल्कुल आपकी रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें भी क्या है, बहुभुज, पर बिल्कुल कठोर संरचना आपकी बनी हुई है। और यहाँ पर भी जो कोशिका है, यहाँ दो प्रकार की ऐसे भी पाई जा रही है और थोड़ी सी लंबी लंबी कोशिकाएं भी पाई जा रही है। और दूसरी चीज, आपको यहाँ पर देखो इतना गहरा गहरा रंग नजर आ रहा है, इसको दूसरा कलर चेंज करती हूँ। देखो यहाँ पे जो डार्क कलर ना इतना गहरा सा दे रखा है, बीच में हरे रंग का छोटी सी भाग दिख रहा है, यानी इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति कैसी, बहुत ज़्यादा मोटी बता रखी है। तो यही इन तीन चित्र के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि क्या अंतर इसमें नजर आ रहा है। ठीक है,
तो पहला जो यहाँ पे मृदुत्तक हम लोग पढ़ेंगे, तो मृदुत्तक में आपको एक चीज तो नजर आ गई कि अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है, इन दोनों में अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। इसकी कोशिका भित्ति नॉर्मल छोटी छोटी साइज की होती है, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो ये पौधों का बाहरी आवरण बनाती है पहला काम, तो ठीक है बिल्कुल बाहरी नहीं, अंदर अंतरचूल वगैरह ये सब बनाएगी। और दूसरा काम क्या करती है, तो ये भोजन का संग्रहण करती है, भोजन का संग्रहण करती है, यानी इसी कोशिका के अंदर थोड़ा सा भोजन इकट्ठा रहता है, मतलब पादप के अंदर भोजन संग्रहण का कार्य कौन कर रही है, मृदुत्तक कर रही है। फिर दूसरा आता है स्थूल कोण, स्थूल मतलब होता है बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट, बिल्कुल आपका फिक्स हो जाता है। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, थोड़ी सी कोने पर मोटी हो जाती है, यानी जैसे अगर ये कोशिका है तो ये जो कोने वाला भाग है ना, इस भाग के ऊपर थोड़ा सा डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, सेल्युलोज का उनका ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, तो ये थोड़ी सी कोण बन जाते हैं, इसके अंदर इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। तो ये क्या करता है, पौधे को लचीलेपन के साथ, लचीलेपन के साथ, लचीलापन प्लस मजबूती दोनों ही देने का काम कौन करेगा, आपका स्थूल कोण करता है। और लास्ट आ गया आपका दृढ़ोत्तक, नाम से ही पता लग रहा है दृढ़, यानी कि ये बहुत ही कठोर होते हैं, कठोर प्लस मजबूत, यानी ये इस प्रकार की संरचनाएं बनाएंगे जो कठोर होगी और थोड़ी सी मजबूत होगी। और एक लाइन यहाँ एक और लिखी है कि इसकी जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर लिग्निन जमा होता है। अब लिग्निन क्या है भाई, ये समझ लो, लिग्निन एक भूरे रंग का वर्णक होता है, ठीक है सेल्युलोज का ही एक टाइप है ये, लेकिन लिग्निन जब जम जाता है तो वो चीज़ बहुत ही कड़क और कठोर हो जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, नारियल के छिलके के रेशे में, नारियल के छिलके के रेशे में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नारियल जो हम लोग लाते भी राखी पे लाए होंगे और उसके जो रेशे निकलते हैं, ठीक है उसको आप तोड़ो और उससे रस्सी बनाई जाती है, आइडिया होगा ना, पुराने घरों के पुराने गांवों में तो इस्तेमाल भी करते हैं आज भी इस रस्सी को। और हम जब आरसीसी वगैरह करते हैं तो उन सभी लकड़ियों को बांधने के लिए हम नारियल की रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी कठोर और कितनी मजबूत चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर उपयोग में ले रहे हैं, तो वो क्या हो गई, किससे बनती है, दृढ़ोत्तक। अब सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर तीनों के कार्यों के आधार पर कि ऐसे उत्तक का नाम बताएं जो पादप को लचीलापन प्रदान कर रहे हैं, स्थूल कोण उत्तक हो गया, ठीक है पादप के अंदर भोजन संग्रहण का मुख्य कार्य कौन कर रहा है, मृदुत्तक, और पादप को कठोरता के साथ मजबूती कौन दे रहा है, तो आपके दृढ़ोत्तक दे रहे हैं। और ऐसा भी प्रश्न आ रखा है कि नारियल के छिलके के रेशे किससे बने होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं, आपके दृढ़ोत्तक या फिर स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जाते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे यहां पर मृदुत्तक, या जिसे हम क्या कहेंगे, पैरेन्काइमा, मृदुत्तक या फिर पैरेन्काइमा, इसके बारे में हम लोग यहां पर लिखेंगे। पहला पॉइंट यहां पर इसका आएगा, मृदुत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल ही सरल होती है और इनमें कोई ज़्यादा स्पेशल विशिष्टता नहीं पाई जाती है, तो सरल व अविशिष्ट कोशिकाएं रहती हैं, सरल व अविशिष्ट कोशिकाएं जिनके मध्य, अभी क्या बताया था मैंने, अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित केवल इन्हीं के पास होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें तो ये कैसी होती है, आपकी अंडाकार गोल व बहुभुजाकार, वो देखो जिसके हिसाब से जहां रह रही है उस हिसाब, जिस अंग में या जिस एरिया में मौजूद है उस प्रकार का कार्य कर सकती है। अब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस किस से मिलके बनी हुई होती है, एक तो हमारा सेल्युलोज, क्योंकि सेल्युलोज से तो बनी ही होती है, तो सेल्युलोज तो हमको लिखना ही है कि सेल्युलोज से हमारी कोशिका भित्ति बनी होती है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कैल्शियम पैक्टेट का भी जमाव होता है, कैल्शियम पैक्टेट का जमाव होता है, हल्का फुल्का सा ये भी रहता है। तभी तो ये हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, किसका कार्य क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्या कर रही है, बाहरी आवरण बना रही है, ठीक है ऊपर ऊपर की सरफेस बना रही है, बीज का अंतःचोल,
बीज का अंतःचोल बना रही है। बीज का अंतःचोल आप समझिए, मूंगफली के ऊपर जो पिंक कलर का छिलका होता है उसे हम बीज का अंतःचोल बोल रहे हैं। एक तो बीज के बाहर वो हो गया और उसके अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम बीज का अंतःचोल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सा भाग बना रही है पादप में, तो कभी कभी फलों का गुदा, ठीक है, पल्प जिसे हम लोग कहते हैं, कॉर्टेक्स वाला भाग बनाती है ये पौधे का, जो कठोर वाला हिस्सा होता है जो पल्प जैसा काम करता है पौधे में वो वाला हिस्सा। मज्जा बनाता है ये पौधे का, मक्की का आपने देखा होगा, मक्की का जो हिस्सा होता है, मक्की जो पौधा लगता है उसके नीचे जो तने वाला हिस्सा होता है आप उसको फोड़ के देखिए, तोड़ के देखिए, तो आपको बीच में ऐसा मोटा मोटा सा फ्लफी फ्लफी निकलेगा और उसके बीच में खड्डा सा हिस्सा रहेगा, उसको मज्जा और कॉर्टेक्स वाला हिस्सा बोलते हैं। तो वो भी कौन बना रहा है, यही बना रहा है। और मुख्य काम क्या है इसका, भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण कर रही है, ये इसका मुख्य कार्य हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मृदुत्तक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड पे, जिसे हम कहेंगे स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कोलेन काइमा। सबसे पहली चीज इसकी पॉइंट लिख लेते हैं, कलर चेंज करते, थोड़ा कलर चेंज करता है तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, मुझे भी थोड़ा सा लिखने में इंटरेस्ट आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि लंबी व बहुभुजाकार, लंबी व बहुभुजाकार कोशिकाएं। अभी हमने जो मृदुत्तक पढ़ा था वो क्या होती है, मृत होती है। ये कोशिकाएं कैसी है, जीवित कोशिकाएं होती है, ये होगी आपकी जीवित, वैसे स्थाई में से भी मृत होगी लेकिन ये जीवित होती है, इसलिए स्पेशली मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ कि कोशिकाएं कैसी होती है, आपकी जीवित प्रकार की होती है। पूछ ले अगर आपसे कि ऐसे ऐसे उत्तक जो जीवित भी है और यांत्रिक सहायता भी दे रहे हैं, तो वो कौन हो गए आपके, स्थूल कोण उत्तक, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे, कोलेन काइमा कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसका लिखें तो क्या होगा, इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश कैसा रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित। अब तो दोनों में अनुपस्थित हो जाएगा, अब सिर्फ मृदुत्तक में था, बाकी किसी में भी पाया नहीं जाएगा। एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, कोशिका भित्ति जो होती है वह पेक्टीन युक्त सेल्यूलोज से बनी होती है, पेक्टीन युक्त सेल्यूलोज से बनी, ठीक है। ऐसी कोशिका भित्ति होती है वो किसकी होती है, स्थूल कोण उत्तक की होती है। एक और अब इसका कार्य लिख लेते हैं, तो यह यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, लचीलापन प्रदान करती है। आप नोटिस करना कभी भी जो बहुत तेज आंधी आ रही हो तो नारियल के पेड़ जो होते हैं, खजूर का जो पेड़ होता है वो पूरा इधर से उधर होता है, टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि वहां पर स्थूल कोण उत्तक मौजूद है, तो वो उसको यांत्रिक सहायता दे रहा है, एकदम मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, और इतना लचीला प्रदान कर रहा है कि कितना भी फोर्स लगा लो वो लचीला होकर झुक जाएगा पर वो टूटेगा नहीं। तो क्या हो गया, कौन सा उत्तक ऐसे पादपों को यांत्रिक सहायता के साथ लचीलापन भी देता है, कौन देता है, स्थूल कोण उत्तक प्रदान करवाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम हेडिंग लगा लीजिए आप, दृढ़ोत्तक, या जिसे हम लोग स्क्लेरिन काइमा कहेंगे। देखो यहां तो नाम जी समझ में आ रहा है कि दृढ़ है, ऐसा जो थोड़ी सी संरचना में कैसे रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, हार्ड रहेंगे और मजबूत रहेंगे, ठीक है। इसकी कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो लंबी वो पतली कोशिकाएं रहेगी इसमें, लंबी व पतली कोशिकाएं रहेगी, और लिग्निन की परत जमा होगी, कहाँ पर, कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति में लिग्निन की परत जमा होगी, जिसके कारण यह कठोरता व मजबूती प्रदान करता है,
मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, हम एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये मोस्टली क्या होते हैं, आपको मृत होती है, वो पहले वाली भी जो आपकी मृदुतक थी वो भी ऐसी थी और ये भी ऐसी रहेगी। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए कि नारियल के छिलके में जो रेशे पाए जाते हैं, छिलके के रेशे, ठीक है, वो इसी से बने हुए होते हैं। इसीलिए मैं लिग्निन नामक, जो लिग्निन जो होता है ना आपका चाय की पत्तियों के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, वर्णक जो ब्राउन कलर आपको प्रोवाइड करवाता है वो इसी में होता है। तो तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए, मृदुतक पढ़े हम लोगों ने, स्थूल कोण उत्तक पढ़े और हमने क्या पढ़ लिया, दृढ़ोत्तक पढ़ लिए। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात आती है, वो दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्थायी उत्तक, कौन से वाले, जटिल स्थायी उत्तक। दो थे, एक तो था हमारा जाइलम और दूसरा था हमारे पास में फ्लोएम। ठीक है, अब आप देखो कभी कंफ्यूज मत होना, बहुत बेसिक है, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक वे से आपको समझना कि इनका कार्य क्या होता है। तो जाइलम क्या करता है, जनरली तो आरपीएससी का पैटर्न है ना आजकल, चाहे हम इजी समझें इस चीज को, इजी समझे, बट ये समझ लेना आप लोग कि वो क्या करता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है। ऐसा पूछ लेगा पहला कि जाइलम का कार्य पौधों में जल का संवहन करना एवं फ्लोएम का कार्य भोजन का संवहन करना है। फिर उसमें सेकंड उन्होंने कथन दे दिया कि जाइलम जो होता है मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन उसके अंदर एक जीवित कोशिका पाई जाती है, और ऐसा कि तीन चार स्टेटमेंट निम्न में से जाइलम और फ्लोएम के लिए सत्य को छांटिए, फिर आपको केवल ए बी सी ऐसे करके छांटने पड़ेंगे। इसीलिए एक एक लाइन आपको याद करना, क्योंकि आजकल यही पैटर्न में आपका चल रहा है, तो ऐसे आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, इसीलिए हर एक पॉइंट बता रही हूँ। यहाँ से याद रखना ज, ज से जल और ज से जाता है, ठीक है, फ से फूड और लाता है। देखो एक याद कर लिया, दूसरा वैसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, कि ज से जल को जाता है। अब जाएगा कहाँ से, लेकर जाएगा, कैसे लेके जाएगा, ये पौधा है, उसकी जड़ें हैं, जड़ में ही क्या मौजूद है, जल। अब ये ऊपर तना और ऊपर ये पौधा, अब जल को ले जाना है, मतलब यहाँ नीचे से ही ऊपर लेके जाना है, तो जल को ले जाने का कार्य जो करता है उसे हम जाइलम कहते हैं। और पत्तियां जो होती है ना, पत्तियों में बनता है खाना, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब इस खाने को पूरे पौधे को देना पड़ेगा, किस किस हिस्से को, बाकी जो तना हो गया, फल हो गए, फ्रूट हो गया, नीचे जड़े हो गई, इन सबको खाना चाहिए, तो इसको खाना कौन लेके देता है, फ्लोएम दे रहा है। तो फ्लोएम फूड को ले जाता है, फूड अर्थात खाने का संवहन का कार्य तो करता है फ्लोएम, और जल का संवहन कर रहा है जाइलम। तो एक याद रख लिया जाइलम, तो दूसरा आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इजीली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जाइलम जल को लेकर जाता है, फ्लोएम फूड को लेकर आता है, ये कार्य करने का मेन है। अब ये क्या है, दोनों ही जो है हमारे पौधों में संवाहक का कार्य करते हैं, और इन दोनों को मिलकर, जब ये दोनों मिल जाते हैं तब हम इसे पादपों में संवहनीय उत्तक का नाम भी देते हैं। हमारे में भी संवहनीय उत्तक होते हैं, वो होता है रक्त, और इनके अंदर जो संवहनीय उत्तक है वो हो गया आपके जाइलम और फ्लोएम, दोनों साथ में जब आते हैं तब हमें वस्कुलर टिश्यू या संवहन उत्तक कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको चित्र दे रखे हैं, समझना आप लोग। देखो जाइलम जो होता है ना, इस प्रकार से देखो इनमें क्या होते हैं, चार अलग अलग घटक मिलकर एक कोशिका का निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक उत्तक का कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको जटिल में रखा था, संरचना ही जटिल है। तो पहले हम लोग जाइलम को देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। देखो यहाँ पे बीच में तो आपको से ट्यूब लाइक संरचना नजर आ रही है, ठीक है, ये ऐसी आपको ट्यूब जैसी संरचना नजर आ रही है, तो इसमें तो जा रहा है आपका पानी, ठीक है। इसके अलावा इसको बांधने के लिए यहाँ पर रेशे मौजूद होते हैं जिसे हम लोग तंतु कहेंगे, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर मृदुतक कोशिकाएं पाई जाएगी जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मौजूद होगी। वहीं पर आप फ्लोएम को देखो तो ये चीज समझना, एक सेकेंड, यहीं अगर आप फ्लोएम को देखते हो, ठीक है, तो यहीं अगर आप फ्लोएम को देखो तो फ्लोएम में क्या होता है, टू वे होता है, यानी दो दिशाओं में चलता है। दो दिशा में कैसे,
जाइलम को तो पानी नीचे से ऊपर ले जाना है, लेकिन फ्लोएम को ऊपर से खाना नीचे भी लाना है और ऊपर हो सकता है इस अगर नीचे वाली पत्ती ने बनाया तो और ऊपर भी तना हो सकता है, तो दोनों तरफ काम करना है। इसीलिए इसके अंदर क्या होते हैं, बीच बीच में ऐसी चालनी कोशिकाएं पाई जाती है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होती है, चालनी कोशिकाएं, छलनी होती है ना उस तरीके से यहाँ पे चालनी कोशिकाएं होती है। बाकी संरचनाएं जैसे जाइलम में है वैसी होती। एक और चीज समझना, जाइलम जो होता है जनरली अगर कंप्लीट बात करते हैं तो मृत एक कोशिका उसमें जीवित और ये पूरा का पूरा जीवित, लेकिन एक कोशिका मृत पाई जाती है। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में इसके नोट्स को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे फ्लोएम, पहले फ्लोएम लिख लेते हैं फिर जाइलम को मैं लिखवा दूंगी। तो फ्लोएम जो होता है उसकी संरचना और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम लोग, जनरली बास्ट कोशिका भी कहते हैं। इसकी जो कोशिका होती है उसे हम लोग बास्ट कोशिका भी कहते हैं। क्या करती है, दोनों दिशाओं में गति कर सकती है, दोनों दिशाओं में संवहन करवाती है। किस चीज का करवा रही है, तो ये भी लिख लेते हैं, भोज्य पदार्थों को पूरे पादप में संवहित करवाती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का पूरे पादप के अंदर संवहन करवाती है और चार घटकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनती है, चार घटकों से। चारों घटकों के हम लोग नाम लिख देते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर घटक मौजूद रहता है वो होती है चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं कैसी होती है, छिद्र युक्त, यानी ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें क्या होंगे, छिद्र मौजूद होंगे। क्योंकि देखो ऐसे ही नहीं होता है कि भाई एक पत्ती ने खाना बनाया सारा छन के सारा नीचे चला जाएगा, भाई छनेगा थोड़ा थोड़ा ही पदार्थ जाएगा, प्लस इसके आसपास कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो उस पर दबाव लगाएगी तभी उस खाने को हम आगे भेज सकते, नहीं तो सारा खाना चला जाएगा तब क्या हो जाएगा, नुकसान पड़ जाएगा। इसीलिए इसमें चालनी नलिकाएं मौजूद होती है। उसके अलावा दूसरा इसमें सखी कोशिकाएं होती है, सखी कोशिकाएं मौजूद होती है। ठीक है, सखी कोशिकाएं आसपास ऐसी कोशिकाएं मौजूद होती है जिसमें प्रेशर बनाने का काम करती है। तीसरी कोशिका, इसके अंदर फ्लोएम मृदुतक पाया जाता है, फ्लोएम मृदुतक पाया जाता है। मृदुतक कोशिकाएं जो बाहरी आवरण बना रही थी और कठोरता प्रदान कर रही थी वो अभी हमने पढ़ा था, तो वही कर रही है यहाँ पर। और चौथी चीज इसमें पाया जाता है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु जो है ना वो दृढ़ोत्तक का ही एक भाग है। तो ये जो फ्लोएम तंतु है ये तो हो गया मृत, और बाकी ये जो तीनों है ये तीनों हो गई जीवित। ठीक है, दोनों के मिक्सचर से बनती है। अब ये इस प्रकार से होती है, देखो ये कोशिका हो गई हमारी चालनी नलिका, ये इसके अंदर छिद्र है इस प्रकार से समझिएगा। यहाँ पर पास में मौजूद है इसकी सखी कोशिका है, उसके अलावा इसमें थोड़ा सा मृदुतक कोशिका है और ये तंतु मौजूद होते हैं ताकि ये पूरा का पूरा बंधा हुआ रहे। इस प्रकार से फ्लोएम की पूरी संरचना बनती है और भोजन आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों दिशाओं में गति कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे जाइलम को। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग जाइलम को। तो जाइलम का पहला पॉइंट तो वही है कि जल को जड़ से पूरे पादप में भेजता है, पूरे पादप में भेजता है। ठीक है, दूसरा अधिकतर मृत कोशिकाओं से होता है, पर चलो ठीक है ये पॉइंट आप लोग ना लिखे तो ही अच्छा है क्योंकि आरपीएससी है और आपका थोड़ा सा लेवल हाई है तो मे बी पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा क्या होता है तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी फिर वही है कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बहुत अत्यधिक मोटी होती है, कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। क्योंकि देखो ये पॉइंट भी आप समझ लेना,
जब भी कभी ये बात लिखी हुई आ जाए कोशिका भित्ति पतली, मतलब वो जीवित है, जब भी ऐसा लिखा है कोशिका भित्ति मोटी, अर्थात वो क्या है, मृत अवस्था में है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहां पर लिख लीजिए, यह भी चार घटकों से मिलकर बनता है, चार घटकों से बनता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए आप लोग जाइलम तंतु। देखो दो चीजें तो यहां पर समान ही रहेगी, केवल आगे का नाम बदल जाएगा, जाइलम रद्दुत्तक, उधर क्या थे फ्लोएम रद्दुत्तक, फ्लोएम तंतु, और यहाँ पे जाइलम लग जाएगा। तीसरी चीज और चौथी चीज जो इसके अंदर अलग पाई जाती है वो है आपकी वाहिनिकाय और वाहिकाय, ठीक है, वाहिनिकाय, वाहिनिकाय और वाहिकाय, इन दोनों के अर्थ समझना आप लोग। इसे तो हम इंग्लिश में कहते हैं वेसल्स और इसे हम कहते हैं ट्रैकेट्स। वाहिनिकाय और वाहिकाय पतली पतली से कैपिलरी लाइक ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ऐसे केश नलिकाएं जिसमें बोलते हैं ना अपन, पतली पतली स्पंज के अंदर होती है, जब हम स्पंज हो गया पानी के ऊपर रखा हो जैसे ही वो चली जाती है तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके थ्रू ही पानी ऊपर चढ़ रहा है। या आप समझ लीजिए दिया और बाती, जैसे हम जब रुई के पतली सी बना लेते हैं रेशे और उसको हम लोग तेल में रखते, तेल उसी वाहिनिकाओं के द्वारा ही तो ऊपर चढ़ रहा है, बिल्कुल समान रूप से इसके अंदर भी ऐसी संरचनाएं आपकी पाई जाती। अब आप इसको देखो तो इसमें केवल ये पोषक जो ये पदार्थ है, सॉरी ये जो पार्ट है वो तो है जीवित, और बाकी ये जो तीन पार्ट है ये तीनों कैसे हैं आपके मृत वाले पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन पूछ लिया आरपीएससी में तो पता होना चाहिए कि तीन चीजें, ये वाली चीज तो जीवित है और बाकी ये तीन चीजें इसमें कैसी है आपकी मृत अवस्थाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट दो चार कुछ पॉइंट्स बाकी है, बस फिर आपका टॉपिक खत्म हो रहा है यहीं पर। सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है, संवहनीय उत्तक, संवहनीय उत्तक या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, वस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। ये किससे मिलके बना होता है, पादपों में जाइलम प्लस फ्लोएम से मिलके बना होता है। इसके अलावा पादप में क्या क्या पाया जाता है, एक तो पाई जाती है लैक्टिफेरस उत्तक। अब ये क्या करते हैं, लेटेक्स जो होता है ना, लेटेक्स का स्त्रवण करवाते हैं। लेटेक्स क्या है, रबर, गोंद, ठीक है, दूध जैसी संरचना है जो पादप से निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस कोशिकाएं या लैक्टिफेरस उत्तक कहते हैं, जो लेटेक्स का और इनका निर्माण करती है, जो पादप में से निकलता है उसका काम कौन करती है, लैक्टिफेरस ट्यूबुल्स करती है, ये भी आपके लगभग इन्हीं कोशिकाओं से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा पादप उत्तक को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू, तो आई थिंक ये वाली इसका बहुत लंबा हो चुका है, तो हम लोग इसको एनिमल टिश्यूज या जंतु उत्तक है जिसको अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया है इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लोग हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।